नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। चोरों से भिड़ी मर्दानी, रीवा में चार चोर काट रहे थे चंदन का वृक्ष, कुल्हाड़ी की आवाज सुन जग गई अलीशा, खदेड़ कर एक बदमाश को पकड़ा। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एजी कॉलेज तिराहा के पास एक मर्दानी चार चोरों से भिड़ गई है। बहादुर लड़की ने बताया कि 15-16 अगस्त की आधी रात चार चोर चंदन का वृक्ष काट रहे थे, कुल्हाड़ी चलने से कुछ कटने की आवाज सुन नींद खुल गई। बाहर देखी तो कुछ चोर हमारे बगान में लगे चंदन का पेड़ काट रहे थे, सोचे कि अगर शोर मचाएंगे तो चोर भाग जाएंगे, ऐसे में अकेले ही चारों को खदेड़ लिया। हालांकि तीन चोर भाग गए, एक बदमाश को पकड़ लिया है। चिल्लाने की आवाज सुन परिजन सहित मोहल्ले के लोग दौड़े, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची है, जो चोर को कब्जे में लेकर चली गई है। थाने में चोर के साथ विधि अनुसार कार्रवाई की गई। अब रीवा की मर्दानी की जिले भर में चर्चा है, पिता बड़े समाज से भी। मेरी जानकारी के मुताबिक अलीशा वर्मा पुत्री अभय वर्मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी एजी कॉलेज तिराहा के पास पुस्तैनी मकान है। पिता अभय वर्मा बड़ी समाज से भी हैं। वह दिल्ली में अन्ना हजार के साथ कई आंदोलनों में भाग ले चुके हैं। बेटी अलीशा हायर एजुकेशन कर रीवा स्थित डेल कंपनी जॉब करती है। शहर के रथ हराज और हटा मॉडल रोड से लगा मकान है, जहां वर्षों पुराने कई चंदन के वृक्ष लगे हैं। अलीशा डरी नहीं, भिड़ गई, माता पिता भी आए। पुलिस का कहना है कि 15 अगस्त की देर रात चंदन चोर अभय वर्मा के घर गए। वे बगीचे में गले पुराने चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने लगे। सबसे पहले बेटी अलीशा वर्मा की नींद खुली, वह देखी कि कुछ लोग चंदन का पेड़ काट कर ले जा रहे हैं, ऐसे में वह खदेड़ ली। शोर सुन माता रवि काला वर्मा और पिता अभय वर्मा भी आ गए, तुरंत सिविल लाइन थाने को सूचना दी, ऐसे में आरोपी को पकड़ लिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।